बागेश्वर जिला मुख्यालय में एक व्यक्ति फिर से सरयू नदी की भेंट चढ़ गया। बचाव दल काफी देर तक इसकी खोजबीन करता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति का कुछ पता नहीं चल पाया। हालांकि उप जिलाधिकारी रेस्क्यू दल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना बागनाथ मंदिर के समीप बने घाट की है, जहां से एक अज्ञात व्यक्ति सरयू नदी के तेज बहाव में बह गया। जल पुलिस, पुलिस, फायर, आपदा, तहसील प्रशासन और SDRF की टीम ने बहे व्यक्ति को पुलिस लाइन मार्ग पुल और पास के पगना गांव तक खोजने की कोशिश की, लेकिन वो असफल साबित हुए। नदी में बहे आदमी का बच पाना अब मुश्किल सा लग रहा है। इससे कुछ दिन पहले एक महिला भी सरयू नदी में बह गई थी, जिसकी मौत हो गई थी। पुलिस एवं राजस्व प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाने से नदी में बहे लोगों को बचाने में वो असफल साबित हो रहे हैं। जनता में जागरूकता और सख्ती न होने के चलते नदियों में बहने की घटनाएं भी लगातार हो रही हैं। आपदा कंट्रोल रूम में एक व्यक्ति के बहने की सूचना इसमें सरयू में प्राप्त हुई है, तो हमारी आपदा राहत टीम और पुलिस की पूरी टीम, जो हमारे जल पुलिस है, सभी लगातार तब से कंटिन्यू खोजबीन कर रहे हैं। संवाद 365 के लिए बागेश्वर से हिमांशु गड़िया की रिपोर्ट।